मैं इसमें एक गाना गाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कल गाने वाला था इस गाने को, पर मैं इतना बीमार पड़ गया था कि मैं नहीं कल गा पाया, मतलब आज जो गाना सुन पाते आप लोग। तो मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और अमजद नदीम मेरे बहुत ही पसंदीदा नई जोड़ी है जो कंपोज़र की आ रही है। इनके मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और मैं सबके लिए ऐसा नहीं कहता, पर इनके लिए मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि इन्होंने जो भी अभी तक मुझसे मेरे साथ काम किया हुआ है वो आउट ऑफ द बॉक्स किया हुआ है और हर गाना इनका बेहतरीन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो गाना इनका जो मैं कल गाने वाला हूँ वो जो मैं कल नहीं गा सका और अभी गाने वाला हूँ वो गाना बहुत ही बेहतरीन होगा। बहुत ही गुणी हैं, बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के जानकार कंपोजर्स हैं। इनके साथ काम करते वक्त मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मेरा गला ठीक हो, और क्योंकि गाने में अच्छी गायकी भी होती है और माधुर्य होता है। बहुत ही अलग अलग तरह के गाने उनके मैंने गाए हुए हैं, कॉमेडी से लेकर आइटम से लेकर सोनोरस लवली रोमांटिक नंबर बैलेट्स। सो फिल्म बरखा में भी मेरा ऐसे कुछ गाना होगा। कैसा गाना होगा यही है जिसे आप कह रहे कि वो जरा मैंने सचिव बताऊँ तो वो मैंने कहा मुझे तो बोला बता दो क्या बोल रोमांटिक हाँ रोमांटिक पहली दफ़ा रोमांटिक गाना पहली दफ़ा ये सोलो सॉन्ग है कि सोलो सॉन्ग थैंक यू ये एक किस्म का लॉन्च ही है आप सबको बताने के लिए कि हम ये फिल्म शुरू कर रहे हैं, और ये कह सकती हूँ कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग फिल्म, बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, लव स्टोरी भी है तो उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप आई विश मैं और चीज़ें बता पाऊँ आपको, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी, ये कह पाऊँगी कि तो मालूम पड़ा कि मधु है जी। खैर यकीन से आप इसलिए कहते हैं जब आपको कंटेंट बहुत पसंद आता है, डायरेक्टर्स आप पे बिलीव करते हैं। मेरी और ताहा की केमिस्ट्री का बहुत मजा आने वाला सबको बरखा में, ये तो फॉर श्योर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल्स हैं और सीन्स बहुत अलग हैं, हर सीन जो है उसमें एक डिफरेंट मूड है, तो एक उतार जैसे नो की बहुत डांट रही हूँ मैं इस सीन में, क्या तुम मेरे पीछे पड़े हो यार ऐसा मत। बरखा वो क्या पसंद आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पीछे ही पड़ जाता है ना, मतलब कहते हैं ना, मतलब डेस्परेट, आई एम डेस्परेट इन लव, मुझे ये ऐसा आशिक दिखने वाला है, ऐसे आशिक पसंद है आशिक तो पसंद होने चाहिए, बिकॉज कोई किसी से जब इश्क करता है तो वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स हो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं।